नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ पियाली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया ही होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट मसाला मैगी। मसाला मैगी बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी, एक प्याज, हरी मिर्च, मटर और एक मैगी का पैकेट। प्याज को हम अच्छे से काट लेते हैं। एक पैन में पानी गरम कर लेते हैं। पानी हमारा गरम हो गया, अभी हम मैगी दे देंगे। इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। मैगी और मटर दोनों अच्छे से बॉईल हो गया, अभी इसको हम छान लेंगे। कढ़ाई गरम करके उसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया, अभी हम एक एक करके सारे सब्जी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक इसमें दे देंगे। अभी थोड़ा सा हल्दी दे देंगे। बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक इसको धीरे धीरे कुक करना है। सब्जी हमारा अच्छे से कुक हो गया। अभी इसमें उबाले हुए मैगी और मटर दे देंगे। सभी सब्जी और मैगी अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसको 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हल्का फ्राई करना है। अभी इसमें मैगी मसाला ऐड कर देंगे। अभी और 1 मिनट इसको कुक करना है। मैगी हमारा लगभग रेडी हो गया, अभी इसको सर्व करने की बारी है। मैंने इसमें कोई सॉस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाज़ार में जो सॉस मिलता है वो ज़्यादा खाना सही नहीं होता है। लीजिए, मसाला मैगी हमारा तैयार हो गया। आपको ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए अलविदा।